फ्रेंड्स, ऑन विथ स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 5 अक्टूबर 2021, और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम जेएमसी प्रोजेक्ट के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग से लेकर हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे जो फाइनेंस है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जेएमसी प्रोजेक्ट के यहाँ पर बात करेंगे तो ये लगभग 111 रुपये पे क्लोज हुआ है। मैक्स टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ के आसपास ये मार्केट में लिस्टेड होने के बाद प्राइस नीचे आया था लगभग 9 रुपीज़, और अब जाकर कहीं वो अपने प्रीवियस प्राइस के पास में खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को हम देखेंगे तो लगभग इसने 22% का रिटर्न दिया हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं 115 रुपीज़ पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और उसी के चलते प्राइस 10 105 के आसपास आने के बाद हमें बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट टाइम के करेक्शन में ये 32 रुपीज़ का इसने लो बनाया था। एक साल के रिटर्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 100% एंड 119% का रिटर्न इसने दिया है। अब चलेंगे हम फाइनेंस क्वार्टरली रिजल्ट और जो इस स्टॉक के ईयरली रिजल्ट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसको भी हम चेक करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू, नेट इनकम और ये ईपीएस के भी अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार है कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर के साथ में। एनुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2017 से कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें अच्छा खासा हमें ग्रोथ होता हुआ दिखा, एक स्टेबिलिटी दिखी, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा लगभग 2020 में, और प्रीवियस ईयर यानी 2020 को हम कंपेयर करेंगे 2021 के साथ तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है, नेट इनकम में भी हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे रेड में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि जिस तरीके से हमने लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को देखा उसके चलते स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, तो इसमें शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही हम कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम चार्ट की तरफ, और यहाँ पर देखेंगे कि इस डेली चार्ट में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट में आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लगभग ये यहाँ पर देखिए 134 से लेकर तो 141 का यहाँ पर एक वीकली सप्लाई बहुत ही स्ट्रांग है। उसके साथ इस वीकली सप्लाई के साथ हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है 137, और आप देखेंगे अगर हम कुछ दिनों पहले के ट्रेडिंग सेशन की बात करें 26 जुलाई की, तो लगभग अपने वीकली सप्लाई के पास में आते आते ही उसके पहले ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और लगभग आप देख सकते हैं कितने का यहाँ पर करेक्शन आया हुआ है 129। तो आप देख सकते हैं लगभग 32% का करेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, 31.58 यानी लगभग 32% का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे, और जैसे कि हमने देखा वीकली चार्ट पे कि सप्लाई के बहुत ही पास में खड़ा हुआ है, और इस डेली चार्ट में हम यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड है ऑन डेली चार्ट पे, बट यहाँ आपका जो रिक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रॉफिट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो उसी की वजह से, क्योंकि हम लगभग अपने वीकली सप्लाई के आसपास ही खड़े हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो डिमांड जोन है, ये जो डिमांड जोन बना हुआ है, इस डिमांड जोन में आने वाले दिनों में अगर प्राइस आता है लगभग 96 से लेके तो 100 का ये एक डिमांड जोन है, इसके अंदर आता है तो हम इस डिमांड जोन को ऑन आवरली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं विद रिस्क टू रिवॉर्ड। आप देखेंगे इस आवरली चार्ट पे तो लगभग यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से प्राइस नीचे आया था लगभग ये यहाँ तक 89 तक, और उसके बाद फिर से 110 रुपीज़ से प्राइस नीचे आया, और ये वो डेली डिमांड जोन है। यहाँ से हमें अच्छा खासा बाइंग आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर इतना बाइंग आने के बाद हमें अपसाइड रैली देखने को नहीं मिली। प्राइस कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग यहीं पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो प्राइस पलट के फिर से लगभग यहाँ पर आता है 102 से लेके तो
96, तो अवर्डली चार्ट का यूज़ करके आप इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं 2 से 5 दिनों के लिए। टारगेट रहेगा लगभग 130 रुपीज़ का। तो ये था जेएमसी प्रोजेक्ट का टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।